आज हम एपी के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं इसको सीखेंगे। हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं बेसिक में से जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है। तो पहला है, ये 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, एमसीक्यूज में आएगा, फाइंड द मिसिंग टर्म। अब जैसे आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड मिसिंग है, थर्ड टर्म, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो जब बच्चे एपी पहली बार लगाते हैं तो उनको इन क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये है फर्स्ट टर्म A1, ये है आपका A2 और ये है आपका A3। और आपको मालूम है कि AP में क्या होता है, डिफरेंस कांस्टेंट होता है ना। तो A2 माइनस A1 का जो D आएगा वही A3 माइनस A2 से D आएगा। तो हम सबसे पहले यही लिख लेते हैं, A1 का मतलब है A की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, A3 का मतलब है 26। अब इसके दो मेथड हैं सॉल्व करने के। पहला मेथड मैं आपको ये बता रही हूँ, जो मैंने अभी आपको बोला डिफरेंस निकालना, तो A3 माइनस A2 शुड बी इक्वल टू A2 माइनस A1, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा। तो हमने लिख लिया। अब ये नंबर मिसिंग है, तो इस मिसिंग नंबर को हम x मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 26 माइनस x। तो A3 माइनस A2 मतलब 26 माइनस x शुड बी इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 2 आप इस साइड लाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा 28, और माइनस एक्स उस साइड ले गए तो 2x, तो 2x इक्वल टू 28, सो x इक्वल टू 14, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है, जो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, A3 इक्वल टू a प्लस 2d होता है ना। आपको a मालूम है, d मिसिंग है, तो आप A3 इक्वल टू a प्लस 2d और A3 की वैल्यू है 26, सो a प्लस 2d इक्वल टू 26। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, और a की वैल्यू आपको मालूम है, a की वैल्यू है 2, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, इसको इस साइड ले गए तो A3 माइनस A1 इक्वल टू 26 माइनस 2, क्योंकि A3 माइनस A है आपका 26 माइनस 2। या दूसरे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट बस वैल्यू पुट कर दो, a प्लस 2d इक्वल टू है 26, a की वैल्यू 2, 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, सो 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, ये आ गया 24, 2d इक्वल टू 24, सो d इक्वल टू 24 अपॉन 2, ये आ गया 12 आते ही 2 प्लस 12 कर देंगे 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। दोनों में से जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट वाला है, इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, A1 पता है आपको, A4 पता है, तो इसमें भी d निकाल लीजिए। इसमें A4 इक्वल टू a प्लस 3d वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a प्लस 3d, तो a प्लस 3d इक्वल टू हो गया, अब इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर दे, 2 9 जाए 18 प्लस 1 19 अपॉन 2, तो a प्लस 3d इक्वल टू 19 अपॉन 2, a की जगह वैल्यू रख दी 5 प्लस 3d इक्वल टू 19 अपॉन 2, सो 3d इक्वल टू हो जाएगा 19 अपॉन 2 माइनस 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, तो उसको समझना है, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो दूसरे वाले पार्ट को भी फ्रैक्शन में बदल लीजिए, 5 अपॉन 1 कर लीजिए, और फिर LCM लेके सॉल्व कर दीजिए, 2 और 1 का LCM 2, और ये आ जाएगा आपका 2 1 जा 2, 19 × 1 19, और 1 2 जा 2, तो 5 2 जा 10, और ये अब आपकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया 9 अपॉन 2 है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो 3d इक्वल टू 9 अपॉन 2, तो d हो जाएगा 9 अपॉन 2, और ये चूंकि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो ये आंसर आ गया 3 अपॉन 2। तो इस तरह से d की वैल्यू निकाल कर आप इसके कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अब अगर आपको A2 निकालना है तो आप क्या करेंगे, a प्लस d वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी आप LCM लेके ही सॉल्व करेंगे, अब प्लस है, a है आपका 5 और d की वैल्यू है 3/2, तो फिर यहाँ पे अपॉन 1 करके आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसी तरीके से a3 हो जाएगा a प्लस 2d, तो a प्लस 2d वाला मैंने आपको बताया था, 3 है तो यहाँ पे 2 आता है, 2 है तो 1 आता है, और अगर 4 है तो क्या आता है, 3 है ना। तो ये फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में आपको AP जब हमने AP समझा था तो उसमें मैंने आपको समझाया था, बस इसे सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, जैसे ये इस क्वेश्चन में बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है जब पहली बार लगा रहे होते हैं,
द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म्स बाय 7. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. अब इसमें कोई भी टर्म की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है. तो अब इसके स्टेटमेंट को आप पहले क्रैक करिए. क्या लिखा है, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा है 10th टर्म से, कितना, बाई 7. तो ए 17 इज़ ग्रेटर देन ए 10 बाई 7, इसका ये मतलब हुआ. तो अगर हम ए 17 में से ए 10 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितनी वैल्यू आएगी, 7 आएगी, है ना. तो ये इक्वेशन लिख दी हमने, ए 17 माइनस ए 10 इज इक्वल टू 7, ये हमने लिख लिया. अब ए 17 क्या होगा, ए प्लस 16D, और ए 10 क्या होगा, ए प्लस 9D. तो अब इनको आप सब्ट्रैक्शन का साइन लगाइए. अब ब्रैकेट में क्यों रखते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ब्रैकेट में इसलिए रखते हैं क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, और बाद जब माइनस बाहर होता है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर के सारे जो वैल्यूज़ होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिखने से कभी गलती नहीं होती. वरना अक्सर बच्चों की जो है प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाती है, अब क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है. यहाँ पर ये ध्यान देना ज़रूरी है, और इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि आप पहले स्टेप में ब्रैकेट में ही वैल्यू रख दीजिए. इधर ब्रैकेट में रखने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी रख दीजिए, याद रहता है कि इसे भी ब्रैकेट में रखा, इसे भी ब्रैकेट में, और फिर खोल दीजिए ब्रैकेट. यहाँ इससे पहले कोई साइन नहीं है तो ये एज इट इज़ उतर जाएगा, इसके पहले माइनस का साइन है तो सारे साइन चेंज, ये माइनस ए और ये माइनस डी हो जाएगा. बस इतना ही ध्यान रखना है. यहाँ पे थोड़ा स्लो करिए, जिन बच्चों को प्लस माइनस में मिस्टेक होती है उनको यहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो जाना चाहिए. ध्यान से वैल्यू उतारते समय साइन का फोकस कर लें, उसके बाद क्वेश्चन ईजी हो जाता है. तो अब ए ये प्लस में है और ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया आपका, ए से माइनस ए कैंसिल, और 16D माइनस 9D हो जाएगा आपका 7D. 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, तो 7D इज इक्वल टू 7, सो D इज इक्वल टू 1. तो कॉमन डिफरेंस निकालना था, कॉमन डिफरेंस आ गया. इसके अलावा ये एक क्वेश्चन है जिसमें बच्चे नहीं समझ पाते कैसे करना है. तो टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. तो इसमें आपको इस बात पे सेम पे फोकस करना है, सेम कॉमन डिफरेंस. दो अलग अलग APs हैं लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस सेम है. जैसे कि मान लो ऑड नंबर का हम बना रहे हैं 1, 3, 5, 7, तो उसमें 2, 2 का डिफरेंस है, और इवन नंबर वाला बना रहे हैं तो उसमें भी 2, 2, 2 का डिफरेंस है, 2, 4, 6, 8, पर दोनों AP अलग हैं. तो टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, यानी उन दो AP के 100th टर्म्स का डिफरेंस है 100. तो हम क्या लिखेंगे, ए 100 माइनस ए डैश 100. देखिए पहले वाले AP के लिए हमने ए वर्ड यूज़ किया और दूसरे के लिए ए डैश यूज़ किया, ठीक है, ताकि हम डिफरेंस कर सकें. तो ए पहले वाले AP का जो फर्स्ट टर्म होगा वो हम ए लेंगे और दूसरे वाले का हम लेंगे ए डैश, ठीक है. तो ए 100 माइनस ए डैश 100 इक्वल टू 100, ये गिवन है. और निकालना क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स. तो ए 1000 माइनस ए डैश 1000, ये हमारा क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है, ये हमने पहले लिख लिया. और डिफरेंस क्या है यहाँ पे, सेम, इस पे फोकस करना है. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे ये किया था वैसे ही करेंगे. तो ए 100 माइनस ए डैश 100 इक्वल टू 100. ए 100 को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 99D, और ए डैश 100 को ए डैश प्लस 99D. अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में गलती कब होती है, जब डी इसको डी लिखें और इसको डी डैश लिख दें तो क्वेश्चन अटक जाएगा, आपका सॉल्व नहीं होगा. यहाँ इसी बात पे हमें ध्यान देना है कि ये सेम है, सेम है तो डी दोनों जगह सेम यूज़ करोगे आप. अब ब्रैकेट खोल दिया, ए प्लस 99D माइनस ए माइनस 99D, प्लस 99D माइनस 99D कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई ए माइनस ए डैश इक्वल टू 100. अब ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, ठीक है. अब यहाँ से फिर नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है, अब इसे सॉल्व करिए, ए 1000 माइनस ए डैश 1000 को. तो अब हमने इसको सॉल्व किया, ए 1000 माइनस ए डैश 1000, तो ये हो गया 9A plus 999D माइनस ए डैश प्लस 999D. साइन माइनस का है तो माइनस ए माइनस 999D हो गया, और ये फिर कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए माइनस ए डैश. और आपने पहले वाले में अभी ए माइनस ए डैश की वैल्यू निकाली थी जो कि आपकी आई थी 100.
ये लास्ट में आपने वैल्यू निकाली थी 100, अब यही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। इसका मतलब इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है वो आएगा 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो है हाउ मैनी थ्री डिजिट, सेवन डिजिट, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी टू डिजिट, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, 3, 4। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, सबसे पहले थ्री डिजिट वर्ड पे फोकस करो। और थ्री डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, 100 से शुरू होता है तीन डिजिट का नंबर और 999 तक जाता है। लेकिन इसमें से हमें वो नंबर छांटने हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले 700 को रफ में, ये रफ वर्क है, ठीक है, रफ में 100 को 7 से डिवाइड करो। डिवाइड करने पे आता है 14। अब इसे ज़रा लिखो, 7 × 14 करोगे तो 98 आएगा जो कि टू डिजिट नंबर है। और 14 के बाद 7/15 जा, 7 × 15 करोगे तो 105 आएगा। यानी कि फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 105। इसलिए एपी बनाते समय आप पहले लिख दो 105, फर्स्ट टर्म पता चल गई आपको, ठीक है। सो एपी आपका ये होगा 105, उसके बाद प्लस 7 कर दो तो 112, प्लस 7 119 एंड सो ऑन। अब आपको लास्ट टर्म भी, चूंकि थ्री डिजिट नंबर फिक्स है 999 तक जाता है, तो लास्ट टर्म का भी पता लगाओ इसी तरीके से। 7 से 999 को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे आपका आएगा 7 × 7 = 2, 9, 7 × 4 = 28, 1 × 9 = 7 × 2 = 14, 5, 5 रिमाइंडर बचा। तो क्वेश्चन क्या है, या तो आप इसको 7 और 142 को मल्टीप्लाई करके लिख लो 994, या इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी 994, क्योंकि यही इतना एक्स्ट्रा है, ये हटा दिया तो 994 मिल जाएगा। इसका मतलब लास्ट टर्म होगी आपकी 994, ठीक है। अब आपको फर्स्ट टर्म पता चल गया और लास्ट टर्म, तो ए आपको है 105, डिफरेंस सबके बीच का 77 है, ए एन 994 है, और निकालना क्या है, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर यानी एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब फार्मूले में वैल्यू रख दो, ए एन इज्क्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, 994 इज्क्वल टू ए की वैल्यू है 105 फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू 7। सॉल्व करते समय देखिए क्या करना चाहिए, ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सबसे पहले एक एक टर्म हटाते जाइए। ये प्लस से जुड़ा हुआ है, 105 को इस तरफ शिफ्ट करिए, 994 और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 889 आ गया इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई का साइन है 7, तो 7 इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, डिवाइड में आ जाएगा, तो 889 डिवाइडेड बाई 7 इज्क्वल टू एन माइनस 1। एक एक चीज़ हटाते जा रहे हैं ना, अब इसको सब्ट्रैक्ट किया ये 127 आ गया, 127 इज्क्वल टू एन माइनस 1, अब माइनस 1 इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 127 प्लस 1 यानी एन की वैल्यू आ गई 128। यानी थ्री डिजिट ऐसे 128 ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरह से ये बेसिक एपी के जो एनसीईआरटी में आप जो क्वेश्चंस करते हैं जिनमें आपको दिक्कत आती है, ये वो क्वेश्चंस हैं ताकि आपकी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये फर्स्ट एक्सरसाइज, जो फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज है उनके ये क्वेश्चन है। सम ऑफ वाले भी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।